हेलो दोस्तों, बॉलीवुड का कोच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अजय देवगन एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी फिल्में काफ़ी शानदार और बेहतरीन होती हैं, जिसमें एक्शन, बायोपिक, कॉमेडी सभी फिल्में शामिल होती हैं और पिछली 5 फिल्में लगातार सुपर हिट और हिट का वर्डिक्ट हासिल कर चुकी हैं अजय देवगन का। तो ऐसे में दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे उनकी सीरीज़ की, यानी दोस्तों एक है उनकी गोलमाल सीरीज़ जो कि कभी फ्लॉप नहीं साबित हुई और दूसरी है सिंघम सीरीज़, ये भी कभी फ्लॉप साबित नहीं हुई। अब दोस्तों बात करते हैं सिंघम 3 फिल्म की। तो सिंघम 3 फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसका हर दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। साथ ही साथ सूर्यवंशी फिल्म के साथ सिंघम 3 का भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम 3 फिल्म में लीड कास्ट में अजय देवगन और हुमा कुरैशी नज़र आने वाली है। साथ ही साथ साउथ की एक्ट्रेस राशि खन्ना का भी नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि किसको कास्ट किया जाता है अजय देवगन के अपोजिट। दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन की इस फिल्म की जो स्क्रिप्टिंग है वो शुरू कर दी गई है, लेकिन इस फिल्म के लिए आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि अजय देवगन मैदान फिल्म जो है वो लगभग 13 अगस्त 2021 को रिलीज़ होगी और साल 2021 में उनकी कई सारी फिल्में आने वाली हैं। ऐसे में दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि यह फिल्म 2022 तक या फिर 23 तक रिलीज़ करेंगे, क्योंकि दोस्तों साल 2021 में ऐसा बताया जा रहा है कि सिंघम 3 की फिल्म जो है वो फ्लोर पर आ जाएगी, यानी दोस्तों शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। तो 22 या 23 तक हमें यह फिल्म देखने के लिए मिल जाएगी 2000। दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम 3 फिल्म में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में लगभग 4 सुपरस्टार एक साथ काम करते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो सुपरस्टार हैं वो अजय देवगन हैं जो कि लीड रोल में होंगे, उसके बाद कैमियो में होंगे अक्षय कुमार और दूसरी ओर होंगे रणवीर सिंह। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बताया जा रहा है कि रोहित शेट्टी अपनी कॉप सीरीज में ऋतिक रोशन को भी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो एक बड़ा फैक्ट होगा और ऐसे में 4 सुपरस्टार अगर एक फिल्म में आएंगे तो वो फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम 3 फिल्म जो है उसको 100 करोड़ प्लस बजट में बनाया जाने वाला है। तो ऐसे में इस फिल्म में हमें बेहतरीन एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही साथ रोहित शेट्टी की एक्शन फिल्में तो काफ़ी शानदार होती हैं जो कि हमें सूर्यवंशी फिल्म से देखने के लिए मिल जाएगी और उसके बाद सिंघम 3 आएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सिंघम 3 फिल्म मेगा ब्लॉकबस्टर साबित होगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएगा। साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।